कैसे माइंड में आया कि इस किया के साथ मैंने ये करना? मैंने यही सोचा था कि कुछ ऐसा करूं कि जो इससे पहले किसी ने ना किया। ये बहुत हाई फाई किस्म का मैंने साउंड सिस्टम लगाया है, तो इसमें मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं और म्यूजिक नहीं है तो फिर आपका मेरे ख्याल में वो जो ट्रेवल है वो जीरो हो जाता। इसकी कॉस्ट भी बताएं भाई, कितना एक्सपेंसिव है ये कॉस्ट? एक्चुअली जो ओवरऑल तो मैंने 3.5-4 लाख रफली आया है। हम देखें तो ये आपने आई थिंक सो जीप के टायर जो है यहाँ पर यूज किया, और आगे भी अगर हो जाते तो ये कुछ इक्वल ना लगता सब कुछ? ख्याल तो यही था कि चारों टायर एक जैसे ही लगवाऊंगा। फ्रंट वाले टायर जो है उन्होंने तो मूव करना था, जब टर्न लेते हैं तो वो लेफ्ट राइट टर्न होते हैं ना, तो उस जगह पे मैंने रख के देखे थे, लेकिन जो ही मोड में टर्न लेता था मतलब तो वो साथ ही वो बॉडी को टकरा जाते थे और बॉडी को डैमेज जाहिर कर देते ना। इसके पीछे मैं एक ट्रेलर लगा रहा हूँ इस तरह। जी जी, उसके पास मेरे हैवी बाइक है, मेरे पास डेजर्ट बगी है, 3-व्हीलर 4-व्हीलर, और उनके ऊपर मैं उनको लोड करूंगा और मतलब एंजॉय करूंगा। कभी किसी ने पूछा नहीं भाई ये क्या कर दिया तुमने? लोग सबसे पहला होता ही, जो मतलब इसका क्रेज इनको नहीं होता ना, वो सबसे पहले देखते ही कहते हैं तुमने तो अपनी गाड़ी तबाह कर। मैं कहता हूँ यार मेरी गाड़ी है, तबाह की है तो मेरी मर्जी है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद नौ के साथ मैं हूँ आपकी मेजबान आकाशा यासीन, और आज एक नई स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। ये यूनिक किस्म की गाड़ी ये किया जो है ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं, और ये बहुत ही यूनिक हो गई है। अच्छा, जब मैं इनके ऑनर से मिली तो मुझे लगा कि ये किया ही ऐसी है, लेकिन नहीं, जब मैं उनके ऑनर से मिली तो मुझे पता चला कि वो भी एक यूनिक किस्म की पर्सनालिटी जो है वो आज हमारे साथ मौजूद हैं। तो वेलकम कहेंगे सर आपको। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह फाइन। आप भी यूनिक किस्म के, गाड़ी किया भी यूनिक किस्म की, क्या माजरा है ये? मैं तो नॉर्मल सा इंसान हूँ, दो हाथ हैं दो पांव हैं और सब कुछ इंसानों वाला ही है, लेकिन गाड़ी को मैंने यूनिक बनाया है। ये वैसे यूनिक तो नहीं थी, लेकिन इसको मैंने काफी एफर्ट्स के साथ मैंने इसको यूनिक बनाया है। इन्होंने इसको यूनिक बनाया, इतने ज्यादा आप क्रिएटिव हैं भाई, बचपन से ही ऐसा था क्रिएटिव माइंड आप बचपन से ही थे, या बड़े होकर आपको लगा कि नहीं आप कुछ इस तरह के काम करने चाहिए कि दुनिया में मशहूर हो जाना? हर इंसान ही क्रिएटिव होता है, लेकिन उसको जो एनवायरमेंट मिलती है वो उसको पॉलिश करता है। हमारे क्योंकि मुल्क में ऐसी कोई एनवायरनमेंट ही नहीं है कि जिससे लोग इस तरह की चीज़ें कर सकें, तो मजबूरी है हमारी। लेकिन जो इंसान जिनके पास तो छोटे मोटे रिसोर्सेज हैं वो फिर अपनी सलाहियतें जो है उनको किसी ना किसी तरह शो कर लेते हैं, तो बस ये मेरी भी छोटी सी एक एफर्ट थी, तो बस मैंने जो मुझसे हो सके वो जो इनसे हो सका वो तो इन्होंने किया, और आप देख भी सकते हैं। कैसे माइंड में आया कि इस किया के साथ मैंने ये करना? किया के साथ मैंने यही सोचा था कि कुछ ऐसा करूँ कि जो इससे पहले किसी ने ना, तो बस ये इस पॉइंट को मैंने जहन में रख के तो किया है। लेकिन जो मैं कार शोज में क्योंकि हिस्सा लेता रहता हूँ, रैलीज में भी जाता हूँ, तो उधर आपका एक बड़ा जो मेंटल होराइजन है बड़ा वाइड होता है, तो उसमें मैं ये टायर्स जो है ना ये जीप्स को देखता था, तो उनको देख के मेरा ये जहन बना था कि मैं भी अपने ये एक कार नहीं है बिल्कुल, ये एक पूरा साउंड सिस्टम, अगर हमारे कैमरा मैन आपको दिखा सकें साथ। आइए सर आप भी आइए, बहुत सारे सवाल हैं जो इस वक्त मेरे जहन में गर्दिश कर रहे हैं, और मैं चाहती हूँ मैं आपसे पूछूँ वो सारे तमाम तर सवाल। ये क्या है? मेरी फेवरेट चीज़ यहाँ पे है व्यूवर्स, और अगर आप बता सकें ये क्या है? ये बहुत हाई फाई किस्म का मैंने साउंड सिस्टम लगाया है, तो इसमें मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं और म्यूजिक नहीं है तो फिर आपका मेरे ख्याल में वो जो ट्रेवल है वो जीरो हो जाए। तो ये मैंने अपने इसलिए बनाया था कि फ्रेंड्स या मेरे साथ बैठे तो जरा म्यूजिक को भी एंजॉय करें, जिससे कि बंदे में थ्रिल पैदा हो, जोश पैदा हो, सफर का मजा भी। सफर का मजा तो ले लेंगे, लेकिन इसकी कॉस्ट भी बताएं भाई, कितना एक्सपेंसिव है ये? कॉस्ट एक्चुअली जो ओवरऑल तो मैंने जिक्र किया था चैनल में कि 3.5-4 लाख रफली आया है, उसमें से रफली ये 150 के करीब इसको माइनस करते तो ये 150 का बन जी। लेकिन इसमें यह है कि जितना आप हैवी एम्पलीफायर लगाएंगे तो उससे कास्ट बढ़ जाती है और बढ़ जाती है, लेकिन फिलहाल 150 का, 1,50,000 का जो है फिलहाल 1,50,000 जो है इसकी कॉस्ट है, और ये भी बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होता है कुछ लोगों के लिए इस वक्त में। अच्छा सर, ये टायर्स के बारे में कुछ बताइएगा, ये टायर्स अगर हम देखें तो ये आपने आई थिंक सो जीप के टायर जो है यहाँ पर यूज किया, और आगे भी अगर हो जाते तो ये कुछ इक्वल ना लगता सब कुछ? मेरा ख्याल तो यही था कि चारों टायर एक जैसे ही लगवाऊंगा, लेकिन बैक साइड के जो टायर होते हैं ना ये मूव नहीं करते, एक जगह पे फिक्स होते, जबकि फ्रंट वाले टायर जो है उन्होंने तो मूव करना था, जब टर्न लेते हैं तो वो लेफ्ट राइट टर्न होते हैं ना, तो उस जगह पे मैंने रख के देखे थे, लेकिन एक फुट का स्पेसर डालने के बावजूद जो है वो जो ही मोड में टर्न लेता था मतलब तो वो साथ ही वो बॉडी को टकरा जाते थे और बॉडी को डैमेज जाहिर कर देते ना, वो बॉडी को डैमेज इतना छोटा नहीं होता, वो पूरे का पूरा जो फ्रंट का वो होता है उसको पीस को तोड़ देता, जिस वजह से फिर मैंने वो टायर उतरवा दिए थे, और मतलब नुकसान तो नहीं करना था मैंने, तो इसलिए फिर फ्रंट पे नहीं लगवाया। अच्छा, ये क्या अब नॉर्मल कार दोबारा से बन सकती है? कभी आप चाहें आपका भाई हो गया, बस बहुत हो गया, इसमें सफर कर लिया, यहाँ गए वहाँ गए, अगर कभी आप इसको चेंज करना चाहें तो फिर ये हो पाएगा या नहीं? बिल्कुल हो सकता है, इसका स्पेसर मैं निकलवा दूंगा, तो ओरिजिनल
टायर लगा दूंगा तो ये, लेकिन मैं जिंदगी में कभी भी वो कहते हैं ना मैं एक जगह पे रुका नहीं वाला, उस वाला मुहावरा सुना होगा आपने, तो मैं एक्चुअली अभी आपने ये इसकी शेप देख रही है तो अभी जब नेक्स्ट टाइम शायद आपसे मुलाकात हो तो इसमें इससे भी डिफरेंट चीज़ देखने को मिलेगी। इसके पीछे मैं एक ट्रेलर लगा रहा हूँ इस तरह जी जी। उसके पास मेरे हैवी बाइक है, मेरे पास डेजर्ट बगी है, थ्री व्हीलर फोर व्हीलर मुख्तलिफ किस्म की, और उनके ऊपर मैं उनको लोड करूंगा और मतलब एंजॉय करूंगा। अच्छा, बहुत सारे लोग आपको देखते होंगे, हमने भी आपको देखा, बुलाया, कभी किसी ने पूछा नहीं भैया क्या कर दिया तुमने? लोग सबसे पहला होता ही जो मतलब इसका क्रेज इनको नहीं होता ना मॉडिफिकेशन का, वो सबसे पहले देखते ही कहते हैं तुमने तो अपनी गाड़ी तबाह कर। मैं कहता हूँ यार मेरी गाड़ी ने तबाह किया तो मेरी मर्जी है, जो मतलब जो किया। लोगों का काम है, लोगों का काम है बोलना, बातें करना, वो बातें नहीं करेंगे तो वो क्या करेंगे, राइट? बिल्कुल सही है, बिल्कुल बातें करना उनका काम है। लेकिन सर बहुत ही जबरदस्त किस्म की काविश जो है आपकी हमारे सामने आई है, और बहुत ही ज्यादा हमें अप्रिशिएट करना है आपको, हमारे व्यूवर्स आपको अप्रिशिएट करना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में आप प्लीज इस चीज को मस्ट इनको अप्रिशिएट कीजिएगा, ताकि इस तरह के लोग दोबारा नए से नई चीजें जो है हमारे सामने लेकर आए। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ही अपनी मेजबान आकाशा यासीन को दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज़।